गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में 6 यूनिट ईमेल सिक्योरिटी में दूसरा टॉपिक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जब क्लाइंट ईमेल सेंड करना चाहता है तब यह SMTP सर्वर पर TCP कनेक्शन ओपन करता है। जब भी कोई क्लाइंट ईमेल सेंड करना चाहेगा तब यह SMTP सर्वर पे TCP कनेक्शन ओपन करेगा तथा SMTP सर्वर इस कनेक्शन के द्वारा ही मेल सेंड करता है। SMTP प्रोसेस पोर्ट 25 पर कनेक्शन ओपन करता है। TCP कनेक्शन स्थापित होने के बाद क्लाइंट प्रोसेस मेल सेंड करती है। अब ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दर्शाया गया है जिसमें सेंडर यूज़र ऑफ ए टर्मिनल ऊपर दिखाया गया है। ये किसी यूज़र एजेंट के थ्रू सेंट ईमेल भेजता है जो किसी क्यू में स्टोर होती है। फिर यहाँ से ये आगे जाता है MTA यानी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू। फिर ये इस MTA से नेक्स्ट जो रिसीवर साइड का MTA है उस तक मेल पहुंचता है, यानी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट रिसीवर साइड का। ये दोनों MTA हैं, इनके बीच में TCP कनेक्शन होता है जहाँ पे STP कमांड रिप्लाई एंड मेल भेजे जाते हैं। फिर रिसीवर साइड के MTA से यूज़र के मेल बॉक्स पे मेल आ जाएगा। फिर यहाँ से यूज़र एजेंट के थ्रू जो यूज़र ऑफ ए टर्मिनल है यानी जो रिसीवर है वो उस मेल को रिसीव कर लेता है। तो ये पूरा प्रक्रिया इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाई गई है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि एक्चुअल मेल ट्रांसफ़र MTA द्वारा होता है यानी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट के द्वारा होता है। यदि किसी सिस्टम में मेल सेंड करने के लिए क्लाइंट MTA तथा मेल रिसीव करने के लिए सर्वर MTA की आवश्यकता होती है, कोई भी सिस्टम है उसमें मेल सेंड करने के लिए आपको क्लाइंट MTA और मेल को रिसीव करने के लिए सर्वर MTA की आवश्यकता होती है। क्लाइंट MTA तथा सर्वर MTA को SMTP द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। SMTP का उपयोग दो बार किया जाता है, पहली बार सेंडर तथा सेंडर के मेल सर्वर के मध्य, सेंडर और उस सेंडर का मेल सर्वर इनके बीच में SMTP आएगा, और दूसरा दोनों मेल सर्वर के मध्य, सेंडर साइड का मेल सर्वर और रिसीवर साइड का मेल सर्वर। इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है क्लियर कि सेंडर जो अपने मेल सर्वर से लैन या वैन के थ्रू जुड़ा रहता है, इन दोनों के बीच में SMTP यूज किया जाता है। फिर इस मेल सर्वर और दूसरा मेल सर्वर, ये दोनों आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, इन दोनों के मध्य भी मेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग किया जाएगा। फिर रिसीवर साइड का मेल सर्वर और रिसीवर, ये दोनों आपस में लैन वैन से कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे मेल को रिसीव करने के लिए POP3 यानी POP3 या IMAP4 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कमांड एंड रेस्पॉन्सेज। तो SMTP द्वारा MTA क्लाइंट तथा MTA सर्वर के मध्य भेजे जाने वाले कमांड रेस्पॉन्स को डिफाइन किया जाता है। MTP ही है वही डिफाइन करता है। तो इस डायग्राम में दर्शाया गया है MTA क्लाइंट जो कि कमांड भेजता है MTA सर्वर को, और सर्वर उस कमांड को रेस्पोंड करता है रेस्पॉन्स मैसेज के थ्रू। अब इसमें नेक्स्ट दिया गया कमांड फॉर्मेट। कमांड फॉर्मेट होगा कीवर्ड होगा, फिर कोलन, और फिर आएंगे उसमें आर्ग्यूमेंट। कमांड क्लाइंट से सर्वर को भेजी जाती है हमेशा, जैसा उस डायग्राम में दिया गया है ऊपर। दूसरा, कमांड फॉर्मेट में कीवर्ड के साथ जीरो या अधिक आर्ग्यूमेंट होते हैं। SMTP द्वारा 14 कमांड डिफाइन किए गए हैं। पहले 5 कमांड मेडेंट्री हैं, अर्थात प्रत्येक इम्प्लीमेंटेशन इन 5 कमांड को सपोर्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, नेक्स्ट 3 कमांड कभी कभी यूज में लिए जाते हैं, और जो लास्ट 6 हैं वो रेगुलर यूज में लिए जाते हैं। जैसे कीवर्ड है HELO, हेलो, ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा सेंडर होस्ट नेम। दूसरा, मेल फ्रॉम, ये सेंडर ऑफ द मैसेज को बताएगा। तीसरा, RCPT, रिसिप्ट टू, ये इंटेंडेड रिसिप्टेंट ऑफ द मैसेज यानी मैसेज किसको जाएगा यानी रिसीवर उसका बताएगा। तीसरा है डेटा यानी बॉडी ऑफ द मेल।
फिर आएगा क्विट यानी मैसेज अब समाप्त हुआ, रीसेट, फिर आएगा वेरीफाई VRFY इसका है नेम ऑफ रिसिप्टेंट टू बी वेरीफाइड, फिर NOOP यानी नो ऑपरेशन, TURN टर्न, EXPN यानी मेलिंग लिस्ट टू बी एक्सपांडेड, फिर है हेल्प कमांड नेम सेंड फ्रॉम इंटेंडेंट रिसिप्टेंट ऑफ द मैसेज, SMOL फ्रॉम और SML फ्रॉम, ये भी इंटेंडेंट रिसिप्टेंट ऑफ द मैसेज होते हैं। अब ये तो हो गई कमांड, अब नेक्स्ट है इसमें रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट को भेजे जाएंगे, अब जो भी कमांड क्लाइंट सर्वर को भेजेगा उसका रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट को भेजा जाएगा। रेस्पॉन्स है वो 3 डिजिट का कोड होता है जिसके साथ एडिशनल टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन होती है। मेल ट्रांसफर 3 फेज में होता है, पहला इसमें होगा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट यानी पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, दूसरा मेल ट्रांसफ़र होगी और तीसरा कनेक्शन टर्मिनेशन। तो ये था आपका SMTP प्रोटोकॉल, धन्यवाद।